दीपिका और रणवीर के अफेयर के चर्चे काफी सालों से थे। दोनों एक दूसरे को अपना दिल संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला के सेट पर दे चुके थे। वहीं अब उनके फैंस को इंतजार था तो बस इनकी शादी की न्यूज का। काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि दीपिका और रणवीर शादी की तैयारियां कर रहे हैं और इसी साल शादी भी कर लेंगे। लेकिन हाल ही में जब इन दोनों स्टार्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शादी का कार्ड डाला तो हर कोई खुशी से झूम उठा। ये प्यारी सी जोड़ी 14-15 नवंबर को शादी करने वाली है। वहीं ये तो हर कोई जानता ही है कि इन दोनों स्टार्स का बॉलीवुड में सिक्का चलता है। वहीं अगर दोनों की कमाई की बात की जाए तो 2017 में आई फोर्ब्स लिस्ट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में दीपिका छठे नंबर पर थी। उनकी संपत्ति $11 मिलियन यानी कि तकरीबन 80 करोड़ रुपए थी। वहीं अगर रणवीर सिंह की बात की जाए तो वो सातवें पोजीशन पे थे। उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन थी यानी कि 74 करोड़ रुपए। अब अगर दोनों की संपत्ति को मिला दिया जाए तो $21 मिलियन यानी ये दोनों कुल 154 करोड़ के मालिक होते हैं। तो देखा आपने शादी के बाद बाजीराव और उनकी मस्तानी 154 करोड़ रुपए के मालिक हो जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए दोनों के प्रोफेशनल फ्रंट की तो जहां एक तरफ रणवीर रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा और जोया अख्तर की गली बॉय में नजर आने वाले हैं, वहीं दीपिका ने मेघना गुलजार की फिल्म साइन कर ली है जो एसिड अटैक विक्टिम पर बेस्ड है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।